करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। शिप्रा नदी के तट पर बसी महाकाल की नगरी उज्जैन, आज इस पावन शहर में स्वयं शंभुनाथ एक जोड़ी का मिलाप करने वाले हैं। आभास हो रहा है मुझे, दो लोग जिनकी भाग्य रेखाएं महाकाल एक धागे में पिरोने वाले हैं, यही है आसपास कहीं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग फिर भी एक। ये लड़की जिसके पास कुछ न होते हुए भी उसका शिव में अटूट विश्वास है, और लड़का जिसको तर्क और विज्ञान के सिवा किसी पर विश्वास नहीं। कौन है ये दोनों? ये दोनों भी एक दूसरे के लिए अजनबी है। एक बात निश्चित है, जब ये दोनों मिलेंगे तब कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, प्रेम इतिहास रचा जाएगा। बेलपत्ता मतलब आज महाकाल की खास कृपा है अपन पे। भोले बाबा, 100 बात की एक बात ये है कि आज फूलों की बिक्री अच्छे से हो जानी चाहिए, तो रति के स्कूल की फीस भी जमा हो जाएगी और घर का किराया भी चुका दोगे। हटिए, पीछे हटिए, हटिए। एक्सक्यूज मी, लेट मी हेल्प। सिम्टम्स? डॉक्टर रजनीश, एम्बुलेंस रस्ते में है, डॉक्टर मिश्रा फोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और एकदम से चक्कर खाके गिर गए। सडन कोलैप्स, कार्डियक अरेस्ट, मेजर हार्ट अटैक, कंडीशन सीरियस है। सुनीता, क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही है? पता है पूर्णिमा, जब मैं रोज सैर करती हूँ ना तो नन्ना लात मारता है, पर आज पूरा दिन हो गया एक बार भी लात नहीं मारी, कोई हलचल भी नहीं कर रहा है। तो पीछे हटिए। 1 2 3 1 2 3 डॉक्टर प्लीज रुक जाइए, पेशेंट नहीं रहा। ये मर गया क्या? मर गया, पेशेंट हो गया। जिंदगी इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आज सवेरे जब घर से निकली ना तो ये अपने ऊपर गिरा। भोलेनाथ का बेल पत्ता, इसका मतलब भोले बाबा आज अपनी एक इच्छा जरूर पूरी करेगा। हाथ रख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लात मारी पूर्णिमा, देख देख लात मारी है ना, देख। हाँ मारी लात, कह रही थी ना भोलेनाथ है अपने साथ। कुछ प्रेम गाथाएं खुशी के आंसू लाते हैं, कुछ दुख भरे आंसू, पर जिस प्रेम गाथा पर महाकाल की मोहर हो वह आंसू नहीं, आस देती है। एक ऐसी आस जो जन्म जन्मांतर उस प्रेम को अमर कर देती है, एक ऐसा प्रेम जो जीवन चक्र से परे है। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए।
मिस कायम, नीमा के लिए निकलना होता ना तो सबके सब 15 मिनट पहले से ही तैयार होके बैठ जाते, पर मंदिर के लिए तो सबको न्योता देना पड़ता है। अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, देर हो जाएगी। अरे माँ माँ माँ, क्यों इतनी चिंता करती है आप? हाँ, कितनी प्यारी लग रही है। और देखो, मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई। और ये लो, हमारे श्रेय महाशय भी आ गए एकदम लेट लतीफ। हाँ हाँ, लेट लतीफ। राजबीयू तो दिल्ली से उज्जैन से थोड़े दिनों के लिए आते हैं, उसमें भी वो अस्पताल चले जाते हैं, उन्हें पता है इतनी देरी होती है और आप कुछ भी नहीं कहती। अरे जब मैं देरी करता हूँ नहाने में, खेलने में या फिर स्कूल से, तो मेरे को इतनी डांट लगाती हो। मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। नहीं मैं चलूंगा, नहीं मैं होमवर्क करूंगा, नहीं मैं कुछ करूंगा। तो क्या हुआ, सारे पोहे जलेबी तो तू ही खाता है ना, बैग दे चल। बड़ी माँ बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो माँ किसकी है? तू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तू तेरा बैग कहाँ है? वो रहा। अरे भस्म आरती में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे बड़े बड़े काम करने वाले हैं, आपके छोटे भाई साहब ने सब इंतजाम कर लिया। भाभी दर्शन तो आगे से ही करेंगे सब। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। अरे संभाल के, थाली है। हाँ साली है, ये साली बीच में कहाँ से आ गई? कुछ नहीं हो सकता इसका। अरे सुनिए तो मेरी प्यारी माँ। हाँ चलो मैं समझाता हूँ। अरे तू कहाँ सताता है, तू तो आज्ञा क्या देता है मेरा। बड़ी माँ, रात भी अस्पताल से सीधे मंदिर आएंगे और मंदिर से हम लोग कैंपिंग के लिए पचमढ़ी निकल जाएंगे। बस एक दिन और है राज यहाँ पे, परसों दिल्ली चला जाएगा। कहने के लिए छुट्टियों में आया था पर रोज फटफटिया लेके ना अस्पताल निकल जाता है, ये कोई बात है भला? सुमित्रा सुमित्रा, पूरा घर सिर पे उठा रखा है। अगर तुम्हारा बस चले तो राज को अपने पल्लू से बांध के रखो, तुम एक मिनट के लिए उजल ना होने दो। अब चले आरती के लिए। डॉक्टर रजनीश रुकिए। डॉक्टर क्या हुआ, पेशेंट तो स्टेबल है ना? एक और केस है, वो औरत, उसे प्री मैच्योर लेबर। पर मैं गायनेक। जानती हूँ आप इंटर्न हैं, पर उसे घबराहट के मारे अस्थमा का दौरा आया है, जल्दी चलिए। चलो। महाकाल को अर्पित करो फूल, माफ होगी हर भूल। धन्यवाद, 20 रुपए की टोकरी है, 100 बात की एक बात। महाकाल है हमेशा अपने साथ। साहब जी 20 रुपए की टोकरी। सामान समेत के रवाना होते पूर्णिमा, तूफान आने वाला है। मगर तूफान आया तो नीना चाचा, और पैसे भी, अगर ऐसे तूफानों से डरेंगे ना तो गुजारा कैसे चलेगा अपना। भोलेनाथ है अपने साथ, ये भोलेनाथ का घर है, जो होगा भोलेनाथ की मर्जी। जय महाकाल। नक्षत्रों की दशा बदल रही है, जीजी? परिवर्तन। तो इसमें कौन सी नई बात है जीजी? परिवर्तन तो विधि का विधान है, दिन है तो रात भी होगी और उजाला है तो अंधेरा भी। ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन कोई अशुभ समाचार लेकर आएगा अपने साथ। अशुभ समाचार? दीदी मैं तैयार हैं सब। सीधा वायुयान की उड़ान ना करवा दे सबको।
आज तक गाड़ी लेकर मंदिर गए हैं जो आज जाएंगे। मंद बुद्धि बाबूजी। वो मैंने ही छोटे भाई साहब को सुझाव दिया था गाड़ी से जाने का। आपके जोड़ों में परेशानी है इसलिए। हमारे होते अगर घर की बहू बेटियां फैसले लेने लगी तो अधिक परेशानी होगी। हर बार की तरह इस बार भी पद यात्रा करके जाएंगे मंदिर। महाकाल ने जो पांव दिए हैं तो वहां जाने की शक्ति भी वही देगा। किसी आने वाली प्रलय की खबर लेकर आ रही है। जिस तरह से इस आंधी के झोंके ने मुझे छुआ, एक अजीब घबराहट सी हो रही है। हर हर अजीब बात है, कुछ भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये ज्योतिष ग्रंथ के पन्ने कैसे फरफरा रहे हैं? लगता है ये फरफराहट हमें कोई संकेत दे रही है। कुछ नहीं हुआ मुझे, डॉक्टर है आपका बेटा, इलाज करना जानता है। मुझे लगा था तो नहीं आएगा। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने आपकी बात ना मानी हो, मदर इंडिया? वैसे राजवीर बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आप बड़ी बात शांति से आरती तो कर पाएंगी। ये क्या? मुझे पता तो ऐसे ही बुरसट में आ जाएगा। लागे तो ये ले, तेरे लिए कुर्ता लाई। ये लीजिए आपकी बेलपत्ता वाली टोकरी। आरती सुबह 4 बजे शुरू होती है और तू सुबह 3 बजे आके तैयार बैठी रहती है। फूल बेचना, बीमार माँ की सेवा करना, छोटी बहन की पढ़ाई करवाना, इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर लेती है मोड़ी? 100 बात की एक बात, महाकाल है हमेशा अपने साथ। और वैसे भी मैं बस ये नहीं चाहती कि माई सांस ले, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी माई खुल के जिए। क्या आज तक तूने खुल के जिया है कभी? पूजा शुरू हो जाएगी, जल्दी से जाओ। अरे काकी, जय महाकाल। 100 बात की एक बात, महाकाल है अपने साथ। 20 रुपये की टोकरी, धन्यवाद। 20 रुपये की टोकरी। आरती उधर होने वाली है, आइए।
महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मो जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियो ने हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मो जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियो ने हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्म जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियो ने हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय श्री महाकाल। इस धरती पर हर जीव का अंतिम स्वरूप होता है भस्म, जिसे शिव अपने शरीर पर लपेटे निर्भय चलते हैं। वो भस्म जो पवित्र है, बिना छलावे के निश्चल, सच्चे प्रेम की भांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन वो आई और अचानक गायब, इस गायब। ये देखने से कैसे चुप गई मैं, बहुत कठिन दशा है। राज को सावधानी बरतनी होगी, उसके ग्रह उसके दुश्मन बनकर खड़े हैं। मौत के परिवेश से घिरा हुआ है वो, साढ़े साथी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। ऊपर से ये केतु की तीव्र नजर, अकाल मृत्यु होने के आसार भी है। ऐसा कहते हैं कि जिस पर भी महाकाल की भस्म बढ़ जाए वो अकाल मृत्यु से भी बच जाता है। खेल रही थी। हाँ। स्कूल का काम किया कि नहीं?
गया रानी और मैं स्टेपू खेल रहे थे। गया रानी और मैं स्टेपू खेल रहे थे। रुक। ये देख, आज अपन ने पहली बार महाकाल की आरती इतने सामने से देखी। ये रहा प्रसाद तेरे लिए और माई के लिए। माई जैसे ये प्रसाद खाएगी ना, उनकी सारी बीमारी दूर भाग जाएगी, देखना। निकाल, 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 वरना बिना काटे हटाए ना। निकाल, निकाल, निकाल। तेरी खाई, निकाल तू क्या? माई क्या? माई, माई ये शांत तू जा। निकाल, माई, माई, माई ये बिगलेल बुढ़िया, पीछे बड़े सेठ ने भेजा है, इस पे अंगूठा लगा दे, चला जाऊंगा, सब गांव वाले ने लगा दिया है। भाई, भाई शांत हो जा, भाई क्या? किस किस ने अंगूठा चिपकाया है इस बार से भरा? अरे अक्कल घास चरने का ये क्या तुम सब लोगों की? हम गरीबों की जेब में छेद करके ये अमीर बनते हैं नाच पीटे लोग। तू चल, तू चल यहाँ से, चल, 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 माई, 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 माई शांत हो जा, शांत हो जा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मानेगी। माई की हालत तो देखो, शांत हो जाओ माई। बात क्या है, बात क्या है माई? अरे इतनी बुरी खबर ना आया, चाहता कि मैं उनकी आरती उतारूं। बड़े सेठ का बड़ी कंपनी का सौदा हुआ है, अब सारे फूलों उनको ही बेचेंगे, हम क्या करेंगे? अरे इनका बच्चा लेना तो हमें भी बेच गए ये लोग। पर क्यों शंभू चाचा, हम भी तो पैसे देकर ही फूल खरीदते ना बागान से। उन्हें तुम्हारी अठन्नी चवन्नी नहीं चाहिए। लाजी का हुआ है। माई, 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 रति, रति, माई, माई तू जाकर आराम कर, हूँ ना मैं। तेरे होते हुए ना कल से हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, बढ़िया ही जिम्मेदारी के झंडे काटने पड़े। माई आप मेरे साथ आइए। झाड़ू से मारा मुझे। हमारी रोजी रोटी का जरिया है, जब तक कोई और काम का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक तो बगान से फूल लेने दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, कल से तुम में से किसी ने अगर बाग से एक फूल भी तोड़ा ना तो हर्जाना भरना पड़ेगा, देख लेना तुम। शंभू चाचा, शंभू चाचा। जब भी मेरी चंदा चकोरी के चेहरे पर हो उदासी, तब मुरली बजाए मदद की बांसुरी। अपन को तेरी मदद नहीं चाहिए। अरे पर लौट के तो यही आना है, अरे बैंड बाजा बारात लेके, हाय मेरी होने वाली बीवी नंबर वन। अरे तेरी माँ ने हमारी ब्याह की तारीख पक्की की है अगले महीने। मैं तुझसे ब्याह नहीं करूंगी मुरली। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी पापा पूर्णिमा। घर के बाहर पैसों का पेड़ नहीं उग रहा, जो तूने मुरली के मुंह पर किवाड़ पीट दिया। अरे अच्छा है मोड़ा, तेरा ब्याह होने वाला है उसके साथ। मैं नहीं कर रही उससे ब्याह। तो क्या स्वयंवर रचाऊ महारानी के लिए? हाँ, तेरा बाप ना जैसे बहुत बड़ा खजाना छोड़ करके गया है हम सब के लिए। बाबा को बीच में मत ढकेल माई। और वैसे भी ना पहले किसी आदमी के सहारे की जरूरत पड़ी और ना पड़ेगी। मैं इस घर का चूल्हा कभी नहीं बुझने दूंगी। और वैसे भी
सिर्फ रघुवंशियों के बगान में नहीं उगते फूल, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होगा। भोलेनाथ है ना अपने साथ? सब ठीक है? राज कहाँ है? राजप्रियो, स्माइल। क्या कर रहा है? Let me help. वैसे राजव्यू, एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है? क्योंकि हम लड़कियों को तो वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जो हमेशा कहते हैं लेट मी हेल्प यू। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर एक बात बताओ मुझे कि कहाँ है वो लड़की जिसे मेरी मदद चाहिए? महाकाल करे आपकी ये भविष्यवाणी सच न होती जी। दमयंती की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई। ऐसे समझो कि महाकाल ने हमें इस आने वाली दुर्गति के बारे में संकेत कर दिया। इस संकट के बारे में हम क्या करें वो हम पर है। तो क्या कर सकते हैं जीजी? वहाँ मृत्युंजय जाप, पूजा पाठ, व्रत, मैं सब कुछ करूंगी जीजी। सबसे पहले हमें इस बात का परहेज करना होगा कि राज किसी ऐसी जगह ना जाए जहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। आमा। राज, तू अभी वहां से निकल, घर बहुत जल्दी। हेलो हेलो राज, तुझे मेरी आवाज आ रही है? तेरी जान खतरे में है राज।